आज पूरे प्रदेश में भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाया। पार्टी ने मुख्यमंत्री धामी का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया। मुख्यमंत्री ने खुद अपने खास दिन की शुरुआत सबसे पहले पूजा पाठ से की। धामी ने संकल्प दिवस के अवसर पर पेंटागन देहरादून में संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर शिव का जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना भगवान से की। आज टपकेश्वर महादेव में आकर उनका आशीर्वाद लिया है और यह संकल्प भी लिया है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा उस समय हम हर क्षेत्र में, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। पूजा पाठ के बाद देहरादून में ITBP द्वारा संकल्प दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने छात्रों एवं जवानों के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। और आखिर में पुष्कर सिंह धामी ने NIVS देहरादून में संकल्प दिवस के अवसर पर दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। तोहफे के रूप में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्था को 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर वर्ष NIVS पहुंचकर इन बच्चों के साथ समय बिताते हैं और इन बच्चों को देखकर खुद मुख्यमंत्री को भी प्रेरणा मिलती है। इन बच्चों के बीच में जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों के बीच में आकर जहां हमें स्वयं को भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान ने सभी प्रकार की शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रखा हुआ है, तो हमें ऐसे जो बच्चे छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं, समाज का जो भी वर्ग पीछे रह गया है, उन सभी को आगे लाने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए, हम सबको प्रयास करना चाहिए। और यहाँ आकर एक आत्मिक सुख और एक शांति मिलता है कि हम इन बच्चों के बीच में आए हैं और यहाँ पर आने से एक काम करने की हमको प्रेरणा भी मिलती है।